बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बरवक़्त टीवी के प्रोग्राम हमारे देहात के साथ आपका मेज़बान सैयद नवीद हैदर हाशमी हाजिर खिदमत है कि हम आपको मुख्तलिफ ज़ायके जो कल्चर से आशना करवाएं। आप देखें कि वहाँ पे हमें बकरियाँ भी दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा वहाँ पे जो इंशाल्लाह जो गाय का वो दूध भी धोएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद भी अगर धो सका तो मैं खुद भी धोऊँगा, वरना हमारे शौकत साहब के जो भाई हैं दूध धोने का के फन का मुजाहरा करें। और जी राम साहब दिखाइएगा जरा क्या है ये, तो बड़ा जबरदस्त है। तो ये जो तीतर है तो इसके बारे में बताएं कि ये तीतर आपने, वैसे हमने तो सुना कि ये उड़ जाते हैं तो इसलिए आपने पिंजरे में बंद किए होंगे? नहीं नहीं, वैसे खुराक पाने बंद कितने आजाद ही फिरते हैं। अच्छा, वैसे आजाद फिरते हैं तो ये आजाद फिरते हैं तो उड़ते नहीं हैं? नहीं उड़ते। उसकी वजह क्या है कि इस मिट्टी से प्यार है? मिट्टी से प्यार, घर बच्चे निकले जी इतने आ जाए। यदि घरों में पैदा होने वाले जो परिंदे हैं तो वो अपने घर को छोड़ के नहीं जाते, और जो जंगलों में पैदा होते हैं तो वो उड़ते हैं। तो ये आपका कहने का मकसद। तो माशाल्लाह अभी हम आपको थोड़े थोड़े क्लिप दिखाएंगे सब्जियों के भी और जो गाय है और जानवर है और दीगर जो यहाँ पे बागात है उसकी भी थोड़ी सी झलक हम आपको दिखाएंगे, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आइए अभी हम आपको लेके चलते हैं जो गाय है और गाय का दूध कैसे धोते हैं, आइए आपको दिखाएंगे। चारा जो है ये की चीज का जो भूसा होता है गंदम। अच्छा, का अच्छा एक तो वो है और फिर साथ इसका जो दूसरा इसमें ग्रीन पाउडर में है ये जो बरसन वगैरह और इनको सालज भी होता है इनका चारा। सही। नाज़रीन ये जरा देखिएगा, ये गाय के बच्चे, ये देखिए सबसे छोटा इसका बच्चा है।
ये मूली है, मूली जो सलाद के काम आती है, ये देखिए ये ताज़ा मूली है जनाब, कभी देखा है आपने इस तरह? लो ये ताज़ा सलाद हमारे लिए बनाए जी अभी हमने। ये धनिया है, हाँ ये देखिए छोटा सा लहसुन, ये मेथी, ये पालक, और ये एक पत्ता उतारे। अच्छा ये पालक है, देखिए ये हमने हम बाजार से लाते हैं और फिर सिर्फ खाने की हद तक हमें पता है, लेकिन आज ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दूसरी मेथी, हाँ मेथी हमने, ये मेथा भी था इधर, मेथे भी नहीं होगा तो लो, ये जो मेथा है ये मेथी का शौहर है। ओके जबरदस्त है, जोड़ा, ये जोड़ा है। अच्छा अच्छा वो दिखाएं मेथा कौन सा है, ये वाला। अच्छा ये मेल, अच्छा मेल, मेल और फीमेल वही ना, मेथा और मियां बीवी है, मियां बीवी जबरदस्त हो गया। नाज़रीन ये गोंगलू जो है ना, ये पंजाब में कहते हैं, पंजाब वाले गोंगलू, हम इसको शलगम कहते हैं। तो शलगम जो है वो जरा देखिएगा, दिखाइएगा शलगम, अभी इनको पता चलेगा ये वाकई शलजम है। ये देखिए शलजम का छोटा सा बच्चा है, ये देखिए ये बगात है नाज़रीन, देखिएगा कि ये पंजाब के एक खास जो हमारा कल्चर है पंजाब का, वो हमारे बगात है, हमारी फसलात है। बेसिकली पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत हमारा मुल्क है, जहाँ पे सहरा भी है, जहाँ पे पहाड़ भी हैं। अभी ये गंदम का छोटा सा इन्होंने अभी वो किया है, तो आस्ता आस्ता फिर तो ये कब कटाई होगी गंदम की, ये अंदाजन कितना टाइम लगेगा? द एंड ऑफ अप्रैल। ओके नाज़रीन, बेसिकली फ्रूटर का है, तो आप देखिएगा कि ये अभी ये देखिएगा, ये जरा फ्रूटर है, और ये पंजाब का एक खास बहुत ही मीठा और रस भरा ये जो है फ्रूट है। तो देखिएगा ये फ्रूटर है, फिर ये ज़ाहिर है अभी कोई महीना डेढ़ महीना इसको लगेगा तैयार होने में, तो ये थोड़ा सा इसमें रस ज़्यादा आ जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। तो उम्मीद है कि आपको ये बगात भी पंजाब के पसंद आएगी। गंदलां दा साग ते उत्ते मक्खन मकई दा, पंजाब की खास डिश है, जो हम जो बाहर के लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनके लिए बड़ा चार्मफुल ये डिश जो है साग। हम भी जब इधर आते हैं तो हमारी डिमांड होती है कि साग और मक्खन हमें खिलाया जाए। गोभी सरो तोरिया, इसका साग बनता है, तो जबरदस्त हो गया जरा, कमाल कर दिया जी असलम भाई और नूर भाई ने। असल में नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान हमारा बड़ा खूबसूरत मुल्क है, जहां पे दरिया भी हैं, जहां पे पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, और सबसे अच्छा जो आंखों को भला लगता है ये ग्रीनरी है बेसिकली। तो ये शान है, ये पहचान है बेसिकली ये पंजाब की। तो इंशाल्लाह, क्योंकि मैं कुदरती तौर पे यहाँ पे आया हुआ था, तो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ये जो नज़ारे हैं पंजाब के फसलात के, बगात के। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हम अपने बलूचिस्तान में बगात का करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये एक ख़ास किस्म का जो टूर है, जो बगात और फसलात को दिखाते हुए, इंशाल्लाह हम अभी कोई और भी जगह है जी बगात, आइए जी। बेसिकली ये चारा है, और मैं अभी चारा यहाँ से काटूंगा, उसके बाद फिर उसका जो प्रोसेस है जानवरों को देने के लिए। आप ये ना समझे कि आजमी साहब ने भी दातरी पकड़ी हुई है, दातरी बोलते हैं जी इसको, दरांती या दरांती, दरांती उर्दू में दरांती। लो जी देखिए,
जानवरों के चारे के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है जिससे चारा काटा जाता है, अभी आपने देखा कि मैंने चारा काटा वहां पे, फिर वो इधर आएगा, उसके बाद फिर इसको काटा जाएगा। तो अभी हम आपको ये जो चारा है ये कटता हुआ दिखाएंगे कि चारा कैसे काटते हैं। जी तम्बाकू की पनीरी है जी, बीज आप कह ले इसको तम्बाकू का, ये जो हुक्के में डाल के और फिर हुक्के की गुड़गुड़ जो हम सुनते हैं तो ये इसकी वजह से है बेसिकली, ये कसूरवार है इसका सारा। लेकिन ये शान है, हुक्का पंजाब की शान है भाई, माशाल्लाह। मुर्गा आजान देता है, हाँ जबरदस्त। लो जी मुर्गा मियाँ, जबरदस्त। अच्छा ये वो असील, ये असील मुर्गा है लड़ाई के लिए। और पहले जो है जब ये फार्मी टाइप मुर्गे नहीं होते थे, ये जो चिकन नहीं होता था उस वक्त, फिर लोग ये खाते थे और घरों में पालते भी थे, ऐसे ही है ना जी। तो ये बड़ा जबरदस्त जो है ना जी, वो ऐसे ही पलन रहे जड़े दाल भाई खाने वास्ते, ऐसा ही है ये। वजन बहुत करते हैं। अच्छा अजय बच्चा है। अच्छा अभी ये बच्चा है, बच्चा है। जबरदस्त जबरदस्त, देखिए जी ये संभाला हुआ है। अच्छा ये कबूतर है, वाह 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 जबरदस्त जबरदस्त। वो मेरा शेर था कि गा रहे हैं सब कबूतर कैस की आवाज में, ये मजारे हाशमी है जेरे गुंबद इश्क है। ये हमारे नाज़रीन हमारे नवीद डोगर साहब हैं, माशाल्लाह ये बड़ा प्यारा है मुझे, और ये लेट हो गया है हमारे प्रोग्राम में, तो चलें जी आपको भी खुश आमदी। ये हमारे माशाल्लाह खोकर साहब हैं, शाहिद खोकर, ये भी लेट हो गए थोड़ा। तो हमने बड़ा ये गांव का माहौल हमने चाहा कि इसको हम रिकॉर्ड करें बरवक टीवी के लिए। तो शौकत भाई माशाल्लाह कबूतर ये दिखाएगी, इसको लक्का कहते हैं, लक्का कबूतर जी, लक्का। अच्छा ये लक्का है, हाँ फैंसी में आते हैं ये। अच्छा फैंसी में है, तो ये गर्दन देखें, ये जहां चाहे गर्दन में रोड़े। नाज़रीन देखिएगा जरा, ये देखिएगा, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फॉर्म हाउस के कुछ नज़ारे आपने किए, और हमारी कोशिश थी कि हम आपको पंजाब के बागात और फसलों से मुतारफ करवाएं, और यकीनन आप आज के इस प्रोग्राम से महजूज हुए होंगे। इंशाल्लाह हमारे देहात के नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको एक नए गांव की झलकें भी करवाएंगे, वहां के नज़ारे भी करवाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद नवीद हाशमी को इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह।